हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो अधिकतर कोई ना कोई कॉलर टोन जरूर चलती है, और अगर कोई कॉलर टोन आपको पसंद आ जाती है, कॉलर टोन को अपने नंबर पर किस तरह से सेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब आप किसी को कॉल करते थे तो कॉलर टोन बजने से पहले उस कॉलर टोन को कॉपी करने के लिए स्टार बटन दबाने को बोला जाता था, और स्टार बटन दबाने के बाद आपके नंबर पर वो वाली कॉलर टोन सेट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, और अपनी मनपसंद कॉलर टोन को जियो सावन से भी सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर टोन से उस पर अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक ऐसी रियल ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप किसी की भी कोई भी कॉलर टोन को कॉपी कर सकते हैं या फिर अपना मनपसंद कोई भी कॉलर टोन लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से कि आप मनपसंद कॉलर टोन कैसे सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें। दोस्तों, आपको जिस गाने की भी कॉलर टोन सेट करना है या फिर कोई डायलॉग वाले कॉलर टोन को सेट करना है तो सिंपली आपको एक मैसेज करना होगा। मैसेज बॉक्स में जाना है, यहाँ पर 56789 पर आपको एक मैसेज करना है। अब यहाँ पर उस सॉन्ग का नाम टाइप करके सेंड कर देना है जिस सॉन्ग की कॉलर टोन आप लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए वो साकी साकी वाला सॉन्ग टाइप करके सेंड कर देता हूँ। इस तरह से आप अपने मनपसंद सॉन्ग का नाम सेंड कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक मैसेज रिसीव होगा, इसमें आपको 1 टाइप करके सेंड कर देना है। फिर आपको एक मैसेज रिसीव होगा, यहाँ पर फिर से आपको 1 टाइप करके सेंड कर देना है। 1 सेंड करने के बाद में आपके पास फिर एक मैसेज रिसीव होगा आपकी कॉलर टोन को कन्फर्म करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको कैपिटल वाई टाइप करके सेंड कर देना। ध्यान रहे कि जो आप वाई सेंड करोगे वह कैपिटल में होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलर टोन सेट हो चुकी है। इस तरह से आप कोई भी कॉलर टोन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।